शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। वालेकुम प्रणाम। अबे हंसता ही रहेगा कि कुछ बताएगा अभी? डॉक्टर साहब, हमारा नाम मोहम्मद मिस्टर जुगाड़ू बाबा विवेक सिंह है। ये कैसा नाम है? ये नाम है या इंडिया पाकिस्तान की सरहद? बताइए क्या बात है? डॉक्टर साहब, बड़ा नाम सुना है आपका इस शहर में कि आप बेइलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो लाइलाज हो जाता है। बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? डॉक्टर साहब, हमें सच बोलने की बीमारी है। वाह, ये तो नई बीमारी लग रही है। एक बार ऐसा हुआ कि लड़की को हम पार्क में घुमा रहे थे, घर गए तो बीवी ने पूछा कहाँ गए थे, तो हमने सब कुछ सच सच बता दिया, तो फिर मेरी ऐसी दुनिया हुई कि और मैंने ऑफिस के अकाउंट में घपला किया। मेरे बाप ने पूछा लाख रुपया कहाँ गया, मैंने वहाँ भी सब कुछ सच सच बता दिया कि मैंने लड़की और जीव के पीछे उड़ा दिया। अरे तुम उससे क्या चाहते हो? डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ऐसा इलाज करो कि मैं सच बोलना ही छोड़ दूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। लेकिन 2000 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। ओके, कंपाउंडर। जी डॉक्टर साहब। पिछले हफ्ते जो कानपुर से मिश्रा आया था, अरे जो झूठ बोलते बोलते मर गया था। अच्छा अच्छा, वही जो एक कसम के पीछे सौ झूठ। हाँ हाँ हाँ, उसकी बॉडी से हमने झूठ बोलने वाले कीड़े निकाले थे। हाँ, वो फ्रीज में पड़े अकड़ पड़े पड़े अकड़ रहे ना, उनको एक सिरिंज भर लाओ, इनको लगाने हैं। ठीक है। इसी तरह करते करते इधर लेट जाओ। ए तुम तो अंदर चल। फीस तो याद है ना भाई? हाँ बाबा याद है, पहले आप इंजेक्शन तो लगाइए। ठीक है ठीक है, कंपाउंडर कूले खोलो। जी। बम है या पहाड़ है? वाह, पूरी पी गया। ला भाई जुगाड़ू बाबा जी, 2000 रुपए निकालिए। किस चीज के 2000 रुपए? अरे वही जो इंजेक्शन लगने से पहले 2000 रुपए तय हुए थे। तुम लोग का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? झूठ का इंजेक्शन लगते ही झूठ का पहला वार हम ही पर। चल 2000 रुपए निकालो निकालो निकालो। ओह नो, 2000 नहीं 200 रुपए की बात हुई थी। लेना हो तो ले लो, ज्यादा साण पत्ती मत दिखाओ वरना चीटिंग केस में अंदर करवा दूंगा। 200 रुपए ले, हम भिखारी हैं क्या? और नहीं तो क्या? ओह नो। यार घर पे पड़े पड़े बोर हो, कहीं दारू वारू का जुगाड़ करो। इस कुंभकर्ण को जगह यही कर सकता है। ए रावण के खानदानी, उठ भाई। हाँ भाई बोल, कहीं दारू का जुगाड़ करो। देख भाई, दारू का जुगाड़ है तेरे भाई के पास, बस तुम लोग खाली पैसे का इंतजाम करो। ये लो भाई। ले भाई 100 रुपए मेरे पास है, बाकी दूसरों से मिलवा ले। ए पबजी। हाँ भाई। अरे यार हमारे पास तो खाली। यार तुम्हारे पास हरदम यही जटवा रहती है, पता नहीं साला काम करने जाते हो कि साला टेल लगाने जाते हो। ओह नो। यार भाई हम पता ही करने जाते हैं, 350 रुपया मिलते हैं। हमारे बाप को कोई बिजनेस थोड़ी है कि गद्दी लगी रहे। यार चौराहे पे पुलिस भी तो लगी होगी। यार उसकी चिंता तुम मत करो, ये अपना भाई देख लेगा। क्यों भाई, लाओ फिर। चल आजा फिर। अरे यार भाई आप जाओ यार, हम वहाँ क्या करेंगे जाके, आप बताओ यार भाई। चल आजा, पर बहुत हो गया। अरे याद भाई यार, तुम पे जवाब हो गए किसी दिन याद। हो गया? अरे रुकना यार। लो। चल बेटा, पिलाता हूँ तुझे आज दारू।
अरे जियो मेरे से। क्या हुआ भाई? तूने कहा बोले तो कूदे जाओ। इतना कूटे? कूदे तो कहा बोले? ए भाई, ए भाई, देख, ओए देख भाई, क्या हुआ भाई? उठ भाई, बहुत बोले समाज ने कहा। कैसे? ए भाई, विवेक भाई, आप पति और कुत्ते को दोनों को भेज दीजिए, हम कुत्ते में से पति बन और पति बन से कुत्ता बन दोनों निकाल देंगे। आई एम डॉक्टर। डॉक्टर साहब माफ करो भाई, छुट्टा नहीं है। मरीज आते नहीं, भिखारी चले आते हैं। डॉक्टर साहब मैं भिखारी नहीं, आपका मरीज हूँ। कब इलाज करवाया था? एक महीना पहले। कमाल है, अभी तक जिंदा हो, वेरी लकी। क्या इलाज करवाया था? डॉक्टर साहब झूठ बोलने का इंजेक्शन लगवाया था। ओ याद आया, इंजेक्शन लगवा के 2000 की जगह 200 रुपए थमा के खिसक लिए थे। अब तो मेरी हालत खिसक के रह गई है डॉक्टर साहब। जब से आपसे झूठ बोलने वाला इंजेक्शन लगवाया है, तब से मैं बहुत झूठ बोलने लगा हूँ। आधा गांव मेरे पीछे डंडा लेके पड़ा है डॉक्टर साहब। हद तो तब हो गई डॉक्टर साहब, पैसों के लालच में आकर इज्जतों के झगड़े में कोर्ट में गवाही देने चला गया। गवाही देनी थी सच की, लेकिन जज साहब के सामने झूठ बोल दिया कि एक हिजड़े ने लड़की का बलात्कार किया है। फिर बलात्कार का नाम सुनते ही हिजड़ों की जमात पगला उठी। जैसे कोर्ट से बाहर निकला, हिजड़ों ने अपना लहंगा उठा करके इतनी लाते मारी, इतनी लाते मारी कि मैं सीधा आपके दवाखाने में जा गिरा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं डॉक्टर साहब। समझ गया, आप आया है पकड़ में। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। 4000 रुपए निकाल निकाल बात के 4000 रुपए। 2000 रुपए पहले के, 2000 रुपए ये सच का इंजेक्शन लगवाने के। निकाल। अरे पहले लगाइए तो इंजेक्शन। पहले पैसे निकाल वरना हवा। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट जाओ उधर, लेट जा, लेट जा। डॉक्टर साहब एक बात पूछे आपसे। पूछो पूछो। ये धुआं कहाँ से निकला था? धुआं ये सच बोलने वाले इंजेक्शन का कमाल है, ये लगते ही सारे झूठ के कीड़े मर गए, झूठ भाग गया। अब तुम सच बोलने लगोगे। चुप। कितना हाया करता रहता है डॉक्टर साहब। एक सच हमारे पेट में बहुत जोर से उबल रहा है। उबालो उबालो, यानी कि निकालो। जो आपको कड़क कड़क नोट दिए थे ये। वो सब जाली है। म्यूजिक हेलो मिस्टर सर। नमस्ते, आइए बैठिए। डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है, हमें लगता है हमें कोरोना तो नहीं हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लीजिए पहाड़ों के बीच में लगाइए। ओह नो। तुम्हें तो बहुत जोर कोरोना है। अरे भैया ये लो, बजाओ और बोलो करुणा गो करुणा गो करुणा गो करुणा गो गो करुणा गो करुणा गो। बस बैठ जाओ। अब हालत कैसी है? पहले से बेटर। कंपाउंडर कोरोना किट ले आओ।
ये लो, शाम को खाना खाने के बाद छत पे जाके बजाना है और बोलना है बस। और ये मैं कुछ चीजें लिखे दे रहा हूँ, आपको आगे भंगार की दुकान पे मिल जाएंगी। एक बड़ा ड्रम, चार छोटे भगोने, तीन किस्ती, 12 चम्मच। डॉक्टर साहब कितने पैसे? 1,45,166। इसकी दोनों किडनियां निकाल लो। जीरो डॉक्टर साहब, बहुत जोर से बुखार है और सीने के पास सब मलगम जम गया है। ओह नो, ये तो कोरोना के लक्षण है। इससे पहले भी तुम्हें कोरोना हुआ था? जी डॉक्टर साहब, अगली बार हुआ था डॉक्टर ने ये दिया था। ये स्टेज फर्स्ट का है, आपको स्टेज टू का कोरोना हुआ है, यानी कि चरण टू। ये काम नहीं करेगा। कंपाउंडर, चरण टू का किट लेके आओ, कोरोना वाला। जाओ। ये लो, अगली बार आपने ताली और थाली बजाई, इस बार छत्ता कूटो। oh, no. और बोलो करना तेरी मैयक, करना तेरी मैयक। बोलो करना तेरी मैयक, करना तेरी मैयक। हां माज गर्दी वाह बेटे वाह। ये मैं कुछ दवाई लिखे दे रहा हूँ जो आगे आपको भट्टे पे मिल जाएंगी। एक थैलिया लाल पेटी, 20 पीस मीठा हुआ, एंटीबायोटिक में टेढ़ा खंजड़, 3 पीस, तीनों टाइम। बच्चों के फीस जमा कर ली है, दूध वाले को पैसे देने हैं, पिंकी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। खरबूजा ले ले, खरबूजा, खरबूजा ले ले, खरबूजा। मम्मी मम्मी पैसे दो, खरबूजे वाला आया है। मम्मी पैसे दो ना, मम्मी पैसे दो ना, वरना खरबूजा वाला चला जाएगा। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा पैसा हरदम लगा रहे थे, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है? 4 दिन से तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, उसकी दवा लाने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हें पैसा चाहिए। अरे बस करो ना, काम ले, ना पैसा ले। काली दुश्मन अनाज के। अरे आप एक बीमार है, बहुत बीमार का दिल लटा दियो उनको। इनकी रोज की हीरा टंकी, कहीं बिस्किट चाहिए, कहीं खीरा चाहिए, कहीं खरबूजा चाहिए। महीना पूरा हो गया, दूध वाले को पैसे देना है, बिजली का बिल जमा करना है, तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करनी है, कहाँ से लाओ इतना सारा पैसा? ऊपर से सरकार लॉकडाउन लगा दिया है, बस ना बिजली का बिल माफ कर रही है, ना स्कूल की फीस। अब कैसे है?